बीटीसी एवं डीएलएड के छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित विभाग खा एवं गा के पदों पर नियुक्ति के लिए 5 साल संविदा पर करने तथा विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने के संबंधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया, जिसके संबंध में छात्र नेता राजीव यादव ने बताया कि सरकार अपने इस फैसले को रद्द करे, नहीं तो छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव ने कहा, लेकिन सर हम लोग आपके माध्यम से अपन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आपकी मांग है मैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा फोटो कराना होता है। ठीक है। राजीव यादव, किस तरह का ज्ञापन आप देने हैं? आज हम सभी लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं, जो सरकार ने अपनी नियमावली लाई हुई है कि समूह ख और ग के पदों पे संविदा पे करने का विनियम नियमावली 2020 के लागू किए जाने के निवेदन में हम लोग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं। और जो लोग नौकरियाँ हमको देंगे वो बराबर ऐसा प्रेशर बनाते रहेंगे, किसी ना किसी प्रकार से हमारा उत्पीड़न करते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस अध्यादेश को तुरंत वापस ले।